जी मैं विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कि डिफरेंट स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जो है, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ट्रैकिंग एक्टिविटीज है, उनको हमने प्रमोट किया और इनॉग्रेट भी किया। इसके साथ साथ यहाँ पर इसको एक टूरिज्म विलेज बनाने के लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये पहला कदम था जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने कल्चरल एक्टिविटीज भी यहाँ पे की, और जो लोकल लोग थे उन्होंने यहाँ स्टॉल्स वगैरह लगा के अपने कल्चर को तो प्रमोट किया ही, साथ में जो है काफी लोगों ने इसकी खरीदारी भी की है। तो ये जो है इससे टूरिज्म प्रमोट होगा, लोगों की आमदनी जो है वो बढ़ेगी, यहाँ के लोकल लोग जो हैं वो काफ़ी एरियाज में अपने, जैसे चाहे वो घोड़े के जरिए हो या बाकी और माश के जरिए अपने कमा सकेंगे। ये एक पहला स्टेप है। इसके साथ साथ जितने भी बाकी वर्जिन एरियाज हैं उन सबको हम टूरिस्ट मैप पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी या जो इंटरनेट या बाकी फैसिलिटीज़ हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाएगा। इसीलिए ये जो है हमारा फर्स्ट स्टेप था, इसमें हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये देखा कि कितने विद इन अपने ही रिसोर्सेज में हमने पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, अपने ही जितने हमारे पास अवेलेबल फंड्स थे, कोई नया एक रिसोर्सेज में हमें नहीं इन्वॉल्व करने पड़े, और विद इन लोकल जो है एम्यूनिटीज़ हमने एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। हम कोशिश ये करेंगे कि साल में 2-3 बार इस तरह के फेस्टिवल्स इन लोकेशंस पे स्पेशली यहाँ पर अरेंज हो, ताकि लोगों को पता चले कि ये कितनी वर्जिन ब्यूटी है यहाँ पे, और लोगों का भी जो है माश का जरिया ये बने। सारे स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ यहाँ बच्चों ने स्पोर्ट्स में जो बहुत अच्छे भी हैं हमारे यहाँ बच्चे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की कमी थी, तो हमने इवन स्नो स्पोर्ट्स जो है एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको अपने मन की बात में भी कहा कि स्नो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए, तो उसको ही मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में स्नो स्पोर्ट्स जो है, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ट्रैकिंग हो गया, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। इवन यहाँ पे